हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट्स की जिन्हें हम विंटर के अंदर अपनी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे प्लांट्स के बारे में जो बहुत ही फ्लावरिंग बहुत अच्छी करते हैं विंटर के अंदर। पहले नंबर पर हम बात करेंगे क्रिसेंटिमम के प्लांट की, इसे गिलदौरी भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं और जो हैंगिंग के लिए होता है वो बिल्कुल छोटे वाला प्लांट ऐसा होता है जिसके ऊपर स्टैम्प्स जल्दी आ जाती हैं, और कुछ बड़े वाले होते हैं जिनकी स्टैम्प भी बड़ी बड़ी होती हैं, वो हैंगिंग के लिए नहीं होती। हैंगिंग के लिए जो होती है छोटे वाला प्लांट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह की जो ये प्लांट है नर्सरी पे आपको इजीली मिल जाएंगे। इनका जो प्राइस है 50 से लेके 200 तक होता है। क्रिसेंटिमम का जो प्लांट है बहुत ही सुंदर फ्लावर, इसके ऊपर अलग अलग फ्लावर आते हैं, आप कोई भी फ्लावर का कलर ले सकते हैं। इसके हम प्रूमिंग की बात करते हैं, इसको सीड से भी उगा सकते हैं और कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये वाली जो सामने दिखाई दे रही है इसकी आप कटिंग भी अगर करेंगे दोबारा से इसके ऊपर फ्लार आ जाते हैं, और फ्लार आने के बाद सीजन में दो बार फ्लार आ सकते हैं, और ये फ्लार जो है दो दो महीने तक खिला रहता है। इनका जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है प्लांट की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना छोटा प्लांट होगा उतना सस्ता होगा, और जितना बड़ा होगा वो उतना कॉस्टली हो सकता है। 200 तक इसका रेट जा सकता है। जो हैंगिंग के लिए होता है वो ड्वार्फ वाली पम्पम वाली वैरायटी होती है, ये बिल्कुल खिल जाती है। ये देखिए, आप इसको कटिंग करेंगे तो दोबारा से पूरी खिल जाती है एकदम से। हमारी लिस्ट में जो दूसरा प्लांट है वो है बिगोनिया का प्लांट। ये एक हार्डी प्लांट होता है और हैंगिंग के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अंदर दो कलर के प्लांट्स आते हैं, एक तो ये वाला होता है जिसके ऊपर पिंक कलर कहते हैं रेडिश में है, और दूसरा वाइट वाला। ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। अगर आप इस प्लांट की अच्छे से केयर करेंगे तो ये पूरे साल तक आपके साथ बना रहेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको केयर के बारे में प्लांट्स के बताता हूँ। इनको जो वाटर की जरूरत होती है बहुत कम होती है, नॉर्मल वाटर डालना होता है। एक्स्ट्रा वाटर डालने से पौधे ख़राब होते हैं, और इनको 3-4 घंटे की धूप चाहिए होती है डायरेक्ट। बिगोनिया का प्लांट जो है 20 से 25 रुपये तक आपको मिल जाएगा आसानी से। हमारी लिस्ट में जो थर्ड प्लांट है वो है जरबेरा का प्लांट। इस प्लांट के ऊपर बहुत खूबसूरत फ्लावर आते हैं, ये वाइट रेड कलर में, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें और भी बहुत सारे कलर आते हैं, बहुत ही सुंदर प्लांट है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और इसको आप सिंपल पॉट के अंदर भी लगा सकते हैं। इसके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं, इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। इसकी भी केयर बिल्कुल ईजी है, आपने वाटर कम देना है, और इसको भी सनलाइट की ज़रूरत होती है 2-3 घंटे की। इस प्लांट को आप उस जगह पर लगाएं जहाँ पर सनलाइट आती हो। हमारी लिस्ट में जो चौथा प्लांट है वो है वर्बीना का प्लांट। ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है विंटर के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं, आपको किसी भी नर्सरी के अंदर कहीं पर भी आपके शहर में 20 रुपये में ये प्लांट आराम से मिल जाएगा। आपको दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई हैंगिंग बास्केट के अंदर फ्लावर वाला प्लांट लगाते हो तो आपको जो उसका मटेरियल है बिल्कुल हल्का रखना है, लाइट वेट रखना है। आप कोकोपीट के अंदर उसको उगा सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं प्लांट ये। अब मैं आपको बास्केट्स के बारे में बता देता हूँ। बास्केट जो होती हैं हैंगिंग वाली, ये आपको 50 रुपीज़ से 120 रुपीज़ तक मिल जाएंगी, और आप स्टैंड भी ले सकते हैं। जो स्टैंड आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं सामने, ये स्टैंड भी जो है 1000 से 1500 तक मिल जाता है आसानी से। बास्केट जो है कई तरह की आती हैं, जो लटकने वाली हैं ये भी आती हैं, और जो हैंग करते हैं उस तरह की भी काफ़ी सारी बास्केट्स आती हैं, मार्केट में ईजिली मिल जाती हैं। 50, 60, 80, 120 ये रेट्स होते हैं इनके। जो स्टैंड आपको दिख रहा है ये 1200-1300 रुपये का स्टैंड आसानी से मिल जाता है। हमारी लिस्ट में जो पांचवा प्लांट है वो है पिटूनिया का प्लांट। ये मेरा फेवरेट प्लांट है। इस प्लांट के अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं, जितने मर्जी कलर आप इसमें ले सकते हैं, किसी भी नर्सरी पर आपको अवेलेबल मिलेगा ये, और इसका प्राइस भी 20 या 25 होता है, 20 में भी आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें डबल शेड वाले भी आते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं, सभी के सभी अच्छे होते हैं ये, और इनको आसानी से उगाया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे विंटर्स के अंदर हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए प्लांट आते हैं, ये डॉग फ्लावर है, इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसके अलावा ये इम्पेशंस का प्लांट है, इसके अंदर बहुत सारे कलर आते हैं, और बुशी बिल्कुल ये गुलदस्ते की तरह बन जाता है। इसमें देखिए आप, बहुत अच्छे अच्छे कलर हैं, इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।